देवघर जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंसजोर में HLTV संस्था द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के महिला एवं युवाओं को एक माह का स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को छोटी मोटी बीमारी की जानकारी के साथ साथ उसके बचाव की जानकारी भी संस्था द्वारा दी गई। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों से एक एग्जाम लिया गया ताकि प्रशिक्षक को जानकारी मिल सके कि प्रतिभागी एक माह में क्या जानकारी प्राप्त कर सकी। HLTP अटल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा स्थानीय युवा और महिलाओं को प्राथमिक उपचार कैसे करें एवं लक्षण की जानकारी विस्तार पूर्वक संस्था के माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही साहब एक महीना प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागी को परीक्षा लिया गया कि लड़का या लड़की महिला जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसे प्राथमिक उपचार हेतु एक प्रमाण पत्र संस्था द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे अपने आस पड़ोस में छोटी मोटी दवा का प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी के माध्यम से रोजगार से भी जुड़ सकते हैं। देवीपुर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। आपका परिचय सर? मेरा नाम गौतम पासवान। कौन विभाग से हैं सर? हम संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम हेल्थ लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम रांची से है और इसी के अंतर्गत हर पंचायत में ये प्रशिक्षण चल रहा है। जो अभी देवघर प्रखंड के मसुंजरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल में आज एग्जाम लिया जा रहा है जिसमें देवी प्रखंड के भी विद्यार्थी हैं और देवघर ब्लॉक के भी विद्यार्थी हैं। ये दोनों ब्लॉक का आज इस विद्यालय में एग्जाम लिया जा रहा है। सर एग्जाम के बाद क्या होगा? एग्जाम के बाद एक कहा जाए स्वरोजगार जागरूकता प्रशिक्षण अभियान, ये जागरूक करने का ये मुहिम चला हुआ है। हर पंचायत में जा जाके हर पंचायत भवन में जा जाके ये प्रशिक्षण ये जागरूकता एक एक महीने की क्लास होती है। इसमें बहुत सारे बीमारी के बारे में बताया जाता है और खास ये है कि ये प्रैक्टिकल नहीं, ये थ्योरी के माध्यम से सबों को पढ़ाया जाता है और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दिया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल भी करा देते हैं ताकि वो जो आवश्यकता अनुसार जो घर में जो बहुत सारे ऐसे देखा जाता है कि व्यवस्था बिना व्यवस्था के कारण जो है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं जानकारी के अभाव के कारण। लेकिन आज जो है इस संस्था के माध्यम से लगभग 500 विद्यार्थी महिला हो या लड़का हो सबों को दिया गया और इससे बहुत सारे बच्चे जो है अपना प्रैक्टिस भी जारी कर दिए हैं छोटा मोटा और बहुत सारे दवा के भी बारे में जानकारी हो गया है। और खासकर ये है कि अपने घर में जो भी समस्या होती है वो सारा वो खुद ही हैंडल करते हैं। जैसे कुछ इंजेक्शन देने भी सीख गए हैं, कोई बीपी नापने जान गए हैं, तो ये छोटा छोटा जानकारी इस संस्था के माध्यम से दिया जा रहा है।